इन ख्यालों में नहीं रहना कि असफंद यार और हुरैन की शादी मैं होने दूंगी। अभी तो कुछ और पहन के मुझसे बातें कर रहे थे। क्या क्या बोले चली जा रही हो? बस हो गई है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप लोगों ने जो करना है ना, अब आप खुद करें, मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगी। कौन वर्ता, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे बगैर कैसे बात करेंगे? तुम जानती हो ना, अम्मा मेरी कोई बात नहीं टालती। मैं अम्मा से बात करूंगा, बस उनको मनाना मेरा काम है, बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखना। आप मना ले उनको, आपको जो करना है आप कर ले। अगर फिर से उन्होंने मुझे बेऔलादी का ताना दिया ना, तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। अम्मी आप क्यों इस बात को आना का मसला बना रही हैं? मुझसे भाभी ने इस किस्म की कोई बात नहीं की और मैं उनकी बात मानूंगा भी क्यों? प्लीज मेरी खुशी के लिए मान जाए, मैं और इनको पसंद करता हूं। और मेरी खुशी का क्या? आपको हुरैन से प्रॉब्लम क्या है? कोई मसला नहीं है मुझे हुरैन से, मुझे उस घर की नहुसत से मसला है। हैदराबाद वाली रुकैया खाला को जानते हो ना, उसकी दोनों की दोनों बेटियां बे औलाद हैं। हाँ दो। इधर देखो, तुम्हें मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत हुई है? अरे अरे यार, रोना तो बंद करो। एक तुम रोती हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं भी अम्मा से बात करता हूँ और उन्हें मना करूंगा कि आइंदा तुम्हें बेऔलादी का ताना कभी मत दे। बस मुझे भी अच्छा थोड़ी लगता है ये सब करते हुए। लेकिन मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? अब आप ये देख ले, हुरैन और सुफियान वाला किस्सा, हर बात पे मुझे के डायरे में खड़ा करती हैं। क्यों मेरी जान? ऐसे तो होगा, बहन है हुरैन तुम्हारी, और वैसे भी अम्मा को हुरैन बहुत ज्यादा पसंद है। बस आजकल कुछ चिड़चिड़ी हुई हुई है जिसकी वजह से। तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ना समझी तो? अब आप खुद देखे, मैंने घर भी बात कर ली है, वो लोग इतने खुश हैं, वहां भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा तो मतलब ये तुम दोनों देवर भाभी का किया धरा है सब कुछ? जी नहीं, कोई मेरा और उसका किया धरा नहीं है ये, और वो मेरा देवर नहीं है, भाइयों की तरह है, और वो मेरी बहन है। I know. मैं उन दोनों की खुशी के लिए तो करूंगी ना चीजें। I know. वरदा, या तुम खुश रहा करो, यू वेरी डियर टू मी। तुम उदास होती हो ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। Please be happy, हाँ? तो तुम क्या चाहते हो? तजर्बे की नजर कर दूं मैं अपने घर को? नहीं सुफियान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक दिल जलाने के लिए नादिर ही काफी है। क्या बुराइयां हो रही हैं भाई मेरी? किसका दिल जला दिया मैंने? अम्मा हुरैन के लिए मान नहीं रही। और हाँ हाँ बोल दो, भाभी की वजह से तो पहले बीवी का गुलाम बना बैठा, इसे क्या कह रहे हो? अरे क्यों परेशान हो रही है अम्मा, आप जिस तरह चाहेंगी वैसे ही होगा। बल्कि मैं तो आपको ये खबर देने आया हूँ कि मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? वही जो आपने सुना, और इसके लिए मैं वरदा से इजाजत भी ले आया हूं। तुम सच कह रहे हो? अरे यार अम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? पहले जब तैयार नहीं था तो इनकार कर दिया, अब जब हाँ बोल रहा हूं तो फिर क्यों शक कर रही हो? नादिर तुम नहीं जानते कि तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। बेटा मैं तुम दोनों की दुश्मन नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, मेरे भी तो कुछ अरमान हो सकते हैं ना। अम्मा बस अब आपके सारे अरमान पूरे कर दूंगा मैं, बस ये सुफियान की शादी हो जाए उसके बाद। अरे हाँ हाँ, पहले हम इसी की शादी करेंगे, लेकिन उसके बाद तुम मुकरोगे तो नहीं ना? अम्मा बेटा हूं आपका, क्यों मुकरूंगा? बस ये है कि मैं वरदा को तलाक नहीं दूंगा, और अगर इस दरमियान वो मां बन गई तो मैं शादी भी नहीं करूंगा।
ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मैं हुरैन के लिए हाँ नहीं कर सकती, मैं इनकार कर चुकी हूँ उन लोगों को। अरे यार अम्मा मान जाएं, इसकी पसंद है, बच्चा है, खुश हो जाएगा। प्लीज मां अम्मा मान जाओ यार। अबे देख के कुछ समझ नहीं आता यार मुझे, कभी कभी अजीब अजीब बातें करने लगती है वो, अचानक मूड बदल जाता है उसका। एक लम्हा मुझसे हंस के बात कर रही होती है और दूसरे लम्हे कहती है कि तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कुछ समझ नहीं आता यार। कोई तो वजह होगी यार, हो सकता है तुमसे नाराज हो। ऐसे कैसे नाराज होगी यार, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि मुझसे नाराज हो। और देखो इंसान या तो नाराज होता है या नहीं होता, बार बार मूड तो नहीं बदलता ना यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें तंग कर रही है? नहीं यार, एक दो रोज की बात होती तो समझ भी आता है कि शायद वो तंग कर रही हो, लेकिन तो रोज का मामला है यार। मुझे लगता है कोई मसला उसके साथ। जैसे कि क्या क्या मसला हो सकता है उसके साथ? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि कोई मसला जरूर है। एक बात कहूं उसमें, मसला उसके साथ नहीं तुम्हारे साथ। तुम ये बात जानते हो कि अगर उसके साथ कोई भी मसला होगा तो वो सबसे पहले आके तुम्हें बताएगी, और ये बात तुम्हारे साथ साथ वो भी जानती कि वो जितना भी कर ले तुम्हें तंग नहीं कर सकती, और तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगती नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है कि उसका रवैया मेरे साथ नॉर्मल नहीं है यार। तो तुम्हारी मोहब्बत कौन सी नॉर्मल है? वो जानती है कि तुम उससे पागलों जैसी मोहब्बत करते हो, और तुम उससे कभी नाराज नहीं हुए। हो सकते वो ये सब इसीलिए कर रही हो। और यार थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट तो हर एक को चाहिए होती है। बेटा उसूलन तो पहले शादी नवल बेटे की होनी चाहिए थी, लेकिन नसीब की बात है, किस्मत में ये दिन पहले तुम्हारे लिए ही आ रहा है, तो हमने सोचा कि देर न करें, बिस्मिल्लाह करें। इस सिलसिले में आपसे इजाज़त लेना चाह रहे थे कि कहो तो मेहमानों को बुला लें। सदाकत साहब, इजाज़त की क्या बात है? हम ऐसा कौन सा दुनिया से अनोखा काम कर रहे हैं और कौन सा गलत काम कर रहे हैं? बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, असल में वर्दा के ससुराल वाले आ रहे हैं कल, और वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या बात है वो, ऐसी क्यों देख रही हो अम्मा को, जवाब दो। नहीं नहीं, आप उन्हें इनकार कर दें, मुझे वहां शादी नहीं करनी है। वहां नहीं करोगी तो फिर कहां करोगी बेटा? वर्दा का देवर है, देखा भाला लड़का है, और क्या चाहिए तुम्हें? वो फूफो रिश्ता लेकर आ रही है मेरा, तो आप लोग उन्हें हाँ कर दीजिएगा। देखा, जानती थी मैं, जानती थी, बहुत अच्छी तरह जानती थी मैं कि ये इस्फंद यार कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाएगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें उस घर में नहीं जाने दूंगी, बता रही हूं मैं तुम्हें। चुपचाप वर्दा के देवर के लिए हाँ कर दूंगी। देखो मेरा बच्चा,
मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारी फुप्पो है ना और उनका लड़का असफंदियार, ये इंतहाई घटिया तरीन लोग हैं। ये तुम्हारे काबिल नहीं है, ये तुम्हें एक चैन का सांस नहीं लेने देंगे बेटा। तुम इन्हें नहीं जानती, मैं जानती हूं इन्हें। कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो देखा आपने सदाकत साहब, सुना आपने, सुना क्या चक्कर देके चली गई ये लड़की हमको। अरे ये तो कहानी ही कुछ और निकली। वाह भाई वाह, ये तो कहानी उल्टी चली गई। अब हम क्या करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। वरदा ने तो किस शान से वहां पर हां कर दी होगी। अब हम क्या कहेंगे लोगों को कि हमारी लड़की को लड़का पसंद नहीं है, उसने इनकार कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, खामखा कहानियां मत गला करो जहां बेगम। और क्या करूं? अरे सब नजर आ रहा है सबको, सिवाय आपके। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं कहीं अनकहीं आपको कहती थी कि ये असफंदियार का आना जाना इस घर में बंद करा दे। और ये सांप का सपोलिया है, डस लेगा हमें, डस लेगा। और वही हुआ, देखा आपने, खा गया मेरी बच्ची को। कैसा जहर उगलाया उसने, कैसा बरगलाया मेरी बच्ची को उसने। ये सब कुछ असफंदियार का किया धरा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ मैं आपको। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप उल्टा सोच रही। मैं खुद हूर से बात करती हूँ जाके, आप अब्बा समझाएं अम्मा को। नहीं छोड़ूंगी उसको, बहुत बुरा किया उसने मेरी बच्ची के साथ, मेरी बच्ची छीन ली। मैं कहती थी कुछ ना कुछ बात जरूर है, आप लोग मेरी नहीं सुनते थे ना। देखा मैं यार, तेरा बेड़ा गर्क हो। ये क्या हरकत थी, कैसे इस रिश्ते से इनकार कर सकती हो तुम? अमल, मैं वहां शादी नहीं कर सकती। तो क्या है ना कि मैं असफंद से और असफंद। बस करो हूर, आज तो सुन लिया, दोबारा असफंद का नाम मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनू। जहां मामा कह रहे हैं ना, चुपचाप वहां शादी करो। मैं जीना चाहूं जीना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों में क्या हुआ? कुछ नहीं। किधर जा रही हो, कोई काम था अंदर? मशीन लगा रही थी, कपड़े दे दो। वॉशरूम में लटके। वॉशरूम में क्यों लटका देते हो, बिन भी नहीं डाल सकते? सबसे ज्यादा कपड़े तुम्हारे होते हैं असफंद भाई, कम से कम दो दिन तो पहन लिया करो। मेरे कपड़े जब मर्जी चेंज करो, तुम्हें क्या?
हाँ जब खुद धोने पड़े तो पता चले, ये जो ढाई ढाई किलो की जींस जोड़ने पड़े ना तो पता चले। हाँ तो तुम्हें शौक है धोने का, कौन कहता। हाँ तो ठीक है, जाकर कह तो ना उसको जिसके लिए रोज नए नए कपड़े पहन के जाते हैं, वो आकर धो दिया करे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जल्दी क्यों उसे? ओ हेलो, प्रॉब्लम आपको है भाई, बड़ी खुशफहमी है कि उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे मैं जलूंगी। कितनी शर्म की बात है, तुमसे बड़ी है, कम से कम इस बात का लिहाज कर लिया करो। पप्पू को देखा ना तुम बिल्कुल उन पर गई हो। और हाँ हाँ वो सुनो, वो मेरे पीका पड़ी है, वो उसको भी धो देना, इतनी भारी नहीं है वो। Aspen, you know when you smile, it just makes me the happiest person in my life. Thank you. Thank you for always being with me. Happy birthday, superhero. Happy birthday, superhero. Happy birthday once again. Happy birthday once again. अम्मी अब घर पर नहीं। जाओ तुम आ गए, तुम्हें पता क्या होने वाला है। सुन लोग ना, हम दोनों के पीछे से अलग करने वाले। सुन तुम मुझे यहां से ले जाओ, तुम मुझे यहां से ले जाओ। सुन कहां ले जा सकता हूं तुम्हें, ये घर है तुम्हारा, मैं यही रहना चाहिए। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, वो मेरा रिश्ता लेकर आ रहा है, वो वर्दा के तेवर से ना मेरी शादी करना चाहते हैं। हस्बैंड तुम उन्हें बताओ कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम जानती हो ना हमारे खानदान किस मुश्किल से रिश्तेदारी का बोझ उठाए फिर रहे हैं। हम दोनों की जरा सी गलती सबका भरम तोड़ देगी। बात को समझने की कोशिश करो। रिश्ते के लिए हाँ कर दो। जीना चाहूं जीना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं। देखो हूर, किसी को पसंद करना दूसरी बात है, लेकिन शादी एक बहुत बड़ा फैसला है जो बहरहाल घर वालों की मर्जी से ही होना चाहिए, और हमारी शादी कोई आसान काम नहीं है। हमारे घर वाले तुम्हारे बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है। हमारी शादी एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर देगी। हूँ तुम क्या, तुम मोहब्बत नहीं करते,
तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही मोहब्बत करता रहूंगा, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। मतलब तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे, मजाक कर रहे हो ना? ना मैं झूठ बोल रहा हूं ना ही मजाक कर रहा हूं। जो जैसा है वैसा मैंने बता दिया। मोहब्बत करने का मतलब जरूरी तो नहीं कि शादी ही की जाए। आखिर कब निकलोगी ड्रामों की दुनिया से बाहर? बना रहे थे मुझे। हाँ। तुम चाहे जो भी कहो, अब मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। और आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूं कि जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारे अपने दिमाग का फितूर है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो बस दोनों खानदानों को मजीद दूरियों से बचाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा हूं। दोनों खानदान धोखे बाज किधर चले गए? किधर चले गए? इधर आओ ना, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझे तुम? झूठे धोखे बाज तुम चले गए और उसके बाद बता लो। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती। कभी वो कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं बेटा। असवंत, तुम बेटा एक बार फिर सोच लो अच्छी तरह। ऐसा ना हो शादी के बाद तुम्हारे लिए मसाइल पैदा हो जाएं। ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं हुरैन से शादी करना चाहता हूँ, आप बस मामू से बात करें। अबू से बात कर ली आपने? हाँ की है, बहुत खुश हूँ मैं। बेटा मुझे डर लग रहा है। तुम क्या मसला है? उस बच्ची की परेशानियां दूर करें। क्या कहना चाहती हैं कि अगर हुरैन के साथ कोई मसला हुआ तो आप नहीं चाहेंगी कि मेरी शादी उससे हो? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्ची है हमारी, इस घर की बेटी है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लें, जरा मालूम हो जाए कि। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं ये सब हुरैन की वजह से नहीं कह रहा, मैं अपने डर की वजह से सब कुछ कह रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको ये सब कुछ कैसे समझाऊं। आप बस मामू से बात करें ताकि शादी जल्दी हो। आप कल जाएंगे ना उनके पास? पहले मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूं, फिर ही उनसे बात होगी। एक काम करें, अब्बू से मैं खुद बात कर लूंगा। आप बस कल जाने की तैयारी करें। मैं नहीं चाहता कि देर हो जाए। आप कल जाएंगी ना? हाँ बेटा जाएंगे हम लोग, लेकिन पहले मैं तुम्हारे अब्बू से बात कर लूँ, फिर मैं बताऊंगी तुम। अरे अब इस तरह सर झुकाकर खड़े रहने से कोई मसला हल तो नहीं होगा ना। जाएं, जाकर उससे बात करें, समझाएं उसे, जाएं। आपकी यही आदत ना मुझे बहुत बुरी लगती है। अरे अभी कुछ हुआ नहीं है और आपको चुप लग गई। अरे कल वर्दा ससुराल वालों को ला रही है, क्या मुंह दिखाएंगे हम?
अगर उसने उनके सामने को बकवास कर दी तो मुझे बताएं, आज तक खानदान में किसी भी लड़की ने इस तरह मुंह भरकर अपनी शादी की बात की है क्या? नहीं ना। अरे ये लड़की तो हमारी नाक कटवा कर दम लेगी। क्या करूं मैं? बोलो, हाथ कहूं उस पे, जान से मार डालूं उसे? हर बात में इस तरह हवा वेला नहीं मचाया जाता। जानती हो तुम? अरे तुम जानती हो, वो डिस्टर्ब है, परेशान है वो। अगर उसकी परेशानी का ख्याल करेंगे ना तो खाली हाथ रह जाएंगे। तो जहाना, पर्दा के ससुराल वालों को ना फिलहाल मना कर दो कल आने के लिए। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्यों मना कर दूं मैं? इकरार कर चुकी हूं मैं उनसे। अब बात सुने, वो मेरी बेटी का ससुराल है, आप अपनी बेटी से तो बात कर नहीं सकते। बात कर रहे हैं कि मैं उन्हें मना कर दूं? हाँ तो करूंगा ना मैं कब कह रहा हूँ कि बात नहीं करूंगा? कब कहा है मैंने कि चुपचाप उसका फैसला मान लिया जाएगा? अरे वर्दा के ससुराल वालों को सिर्फ कल आने से रोक रहा हूँ, रिश्ते से इनकार थोड़ी कर रहा हूँ मैं। मुझे पता है, जानता हूँ जा रहा मैं, कि उस घर से बड़ा नाजुक रिश्ता है हमारा, जानता हूँ मैं। तो फिर देर किस बात की है? देखे सदाकत साहब, मेरे साथ तो खुदा वास्ते का बैर है उस लड़की को, मेरी तो एक नहीं सुनती। पूरे घर में आप ही हैं जिनकी वो बात मानती है, इसीलिए तो मैं आप पे जोर दे रही हूँ ना कि आप जाकर उससे बात करें। और एक और बात सदाकत साहब, मैं असवंत यार का ना यहाँ आना जाना बंद कर रही हूँ। अरे वो ही सारी फसाद की जड़ है, मान ले आप मेरी बात, मेरी मासूम बच्ची को ना उसी ने वरगलाया है। आप सोच क्या रहे? जाए ना, जाकर उससे बात करें, जाए समझाए उसे। हम सब लोग बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए। हाँ बेटो, माँ बाप हैं तुम्हारे, हम तो तुम्हारे लिए कभी गलत तो नहीं सोचेंगे ना कुछ? भरोसा करो हम पर। क्यों क्यों शक करती हो हम पर? देखो, तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है तुमसे बात करने के लिए, खुद नहीं आई। वो सोचती है कि जब भी वो कुछ तुम्हें करने को कहती है तो वो तुम नहीं करती, और जिस बात से वो रोकती है तुम नहीं करती हो। देखो वो ये सोचती है तो तुम ऐसा करती क्यों? क्यों मेरा कभी सोचा तुमने? कभी सोचा बेटा ऐसा क्यों है? माँ है वो तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारे किसी मसले पर वो सोचती नहीं होगी? भले है होंगी नहीं बेटा, सोचती हैं। हम सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे बेटा, क्यों तुम यकीन नहीं करती हो? देखो मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं करना चाहता, लेकिन बाप होने की हैसियत से इतना तो हक रखता हूं मैं तुमसे पूछ सकूं। जो वजह थी बाबा वो तो खत्म ही हो चुकी है। हा?
कैसे भी। सुना है कि माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके कभी किसी औलाद का भला नहीं हुआ है। अब चाहे वो उसकी पैदाइश का फैसला हो या जिंदगी के अहम मामलात, माँ बाप की मर्जी तो मकसूद है ना। वरना क्या होता है कि पूरी पूरी जिंदगी एक खसारा हो जाती है बाबा। इसलिए मैं समझती हूं कि आप लोग जो फैसला करना चाहते हैं वो कर दें। मैं आपकी मर्जी में खुश हूं बाबा। गुस्से में तो नहीं कह रही ना। देखो कल कल वो लोग आ रहे हैं मगनी की रस्म के लिए। देखो इनकार तो नहीं कर दोगी, सोच लो। सोच लिया है। जीती रहो मेरी बच्ची, अब बाप का मान रख लिया। सलामत मुझे भी कुछ कहना है आपसे। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं ये चाहती हूँ कि मंगनी से लेकर शादी तक खुप्पू के घर से कोई भी फर्ज शिरकत ना करे। क्या बात कर रही हो बेटा, ये भला मुमकिन ही कैसे है वो? बाबा मैंने आपकी बात मानी है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी बात का मान रखेंगे। मुझे देखो किसी को पसंद करना दूसरी बात है, लेकिन शादी एक बहुत बड़ा फैसला है जो बाहरा घर वालों की मर्जी से ही होना चाहिए। और हमारी शादी कोई आसान काम नहीं है। हमारे घर वाले तुम्हारे बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है। हमारी शादी एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर देगी। रिश्ते के लिए हाँ कर दो, तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही मोहब्बत करता रहूंगा। जब से तेरा नक्श मेरे अक्स में जुड़ा है, दिल ये मेरा रक्स कर रहा है। रफ्तार रफ्तार लम्स तेरा जादू कर रहा है, जादू कर रहा है। ये कैसी है उलझन समझ में ना आया, ये साया तेरा है या कोई माया। और अभी तो यही कुछ जोड़े निकले हैं, इनमें से कौन सा रंग तुम्हें अच्छा लग रहा है? मुझे तो लगता है ये वाला ठीक है। क्या ख्याल है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। देखो
एक ही बार तो पहनना है, लेकिन मुझे लगता है ये सही रहेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? ये देखो, ये रंग भी कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ अचानक से हो गया, नहीं तो तुम्हारे लिए नया जोड़ा ले लेते। ये तो बहुत हल्का है ना, ये सही नहीं रहेगा। इसके साथ ना मैचिंग ज्वेलरी भी मिल जाएगी, तुम पे अच्छा भी बहुत लगेगा। बस मैं ना तुम्हें यही बना देती हूँ पेयर। कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, सब लोग पर्दा की ढोलकी में बिजी हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं तुम बहुत हंसी लग रही हो। बहुत खूबसूरत है, जैसे आसमान से कोई हिल उतरी। नमल तो कह रही थी ये कलर मुझ पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। सब नहीं सकते, तुम पे हर रंग सूट करते। इस रंग में कसम से बात करेंगे। और मुझे तो यही बहुत हसीन जोड़ा लग रहा है। तुम बताओ तुम्हें कौन से पहनना है? जो अच्छा लगे वो दे दो। सही है, फिर ना तुम यही पहन लो, बहुत प्यारा है। लो जल्दी से पहन लो और रेडी हो जाओ, मैं नीचे देखकर आती हूँ सब तैयार हूँ मैं कि नहीं। अच्छे से तैयार हूँ ना?